इतना शौक क्यों कि सबीना का है सेवेंथ की। मैं दोस्त में नहीं जाऊंगी भाई, मैं जन्नत में जाऊंगी। कौन आया है? हाय, आप बताएं। हेलो हेलो जी, मेरा नाम है महक अनवर और मैं सबीना की इन सब की दोस्त। और ये सिर्फ दोस्त नहीं, बहन हूँ। बहन ऐसी बहन जो 2 साल बाद पधारी है। 2 साल तक आप कहाँ थी बहन? मेरे मुंह की बाछी में किसी बस ऐसी दुनिया में थी जहाँ मुझे कुछ नजर नहीं था आ रहा और बस सब कुछ पढ़ाई 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 पढ़ाई। और इसको देखिए, ये मेरी जानू है। और इस जानू की आज बर्थडे है। इसका आज हैप्पी बर्थडे है। तो पर हैप्पी नहीं लग रही है आज हमें। क्यों यार, ये कोई मौका, ये लड़के बैठी है ना इसीलिए, इनके बाल देखो। बिल्कुल। चले अब हम केक निकाल रहे हैं। ये महक लाई है सबीना के लिए। वाओ, सबीना का फेवरेट। रियली? चलो, सो गेस वेयर वी आर। ये भी बी लाइक मैं अपनी बेस्टी के सब विश कर दें। मैंने सोचा यार आज ऐसे करते हैं कि आपका मुंह की फटाए, उसको बताते नहीं है, खुश हो जाएगी। नहीं, खुश हुई अब बहुत ज्यादा। अपने बड़े बड़े दांत, ये खरगोश वाले। पूरी बत्ती सी नजर आनी चाहिए। सबीना, हम आपके केक्स देख देख के थक चुके। आप काट काट के नहीं थकी? नहीं। चलें अब काटे, और इनका दिल ललचा रहा है केक खाने को। और ये लोग अपना बनाते हुए स्नैप। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे डंकीज एंड मंकीज। अब हम इसे करेंगे, पहले पिज्जा खाते हैं और उसके बाद जो है केक खाते हैं, बिकॉज खट्टे के बाद मीठा खाते हैं। ठीक है अम्मा? चलो चलो चलते हैं, आ जाओ। वो क्या क्या मेरी फुटेज भरे। चलो वो से मैं काट दूंगी अम्मा। चलिए आ जाए आप। चलो तो अब हम चलें शुरू करें अम्मा। मैं क्यों शुरू करूँ? अच्छा मैक शुरू करें आप। यार पहले भाभी शुरू करे। हाँ ये वो काम होगा, पहले आप पहले आप, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। गोपी बहू, ये क्या लाई है? गलत लाई है, गोपी की गोपी रह जाएगी। मेरे ही हम ना ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हैं। लोगों जो मुझसे हजार बार पूछते हैं, ये इतनी मैंने बर्देश का शेयर किया, ये मेरी बहन है सगी, असली फूल वाली लवली बहन है। सबको बताएं सबीना कौन है? क्या बताऊं? सबीना कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है सबीना, मैं नहीं जानती हूँ। कहाँ से आई? मैं खुद को ही नहीं जानती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मैं कौन हूँ, तो मैं इसको कैसे पहचानूंगी कि ये सबीना कौन है? हमने बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, 50 रुपए काटे। सबीना मेरी बहन है। गुड, बचाओ बचाओ, आखिर मेरे दुपट्टो फाड़ी दो। तो फांसी वाला सीन दिखो सभी लोगों। किसका था? इतनी मोहब्बत मुंह में भी डाल देती सबीना। ये लड़की इस पिज्जा से पूछ के खाती है कि भाई मैं आपको खाऊं के ना, फिर वो बोलते हैं हाँ बहन, फिर एक बाइट मारती है। खा लो खा लो, राजी हो? राजी है वो। फिर कोई मसला नहीं होगा? नहीं नहीं, इसको मसला नहीं, खा लो ये। अब आधे घंटे बाद ही एक फिर दूसरा बाइट लेगी। और ये देखिए हम लोगों के खत्म हो चुके हैं। इसका अभी तक एक वाला ही चल रहा है, वाला ही चल रहा है। पहले वाला देखो सभी ने कितने खाए? दो। ये मैं भी दो खा चुकी हूँ और ये इसका अभी तक फर्स्ट है। उसकी कोल्ड ड्रिंक भी मीठा पानी बन चुकी है। इसकी कोल्ड ड्रिंक भी मीठा पानी बन चुकी है। मेहरबानी, आपने सेकंड उठाया। नहीं कुछ भी पी लें, लेकिन देसी पीपल लाइक। एंड में हमें चाय चाहिए, चाय चाहिए। तो चलें जी, हमारी चाय रेडी है। जब तक की चाय, अब मैं सबीना को कहती हूँ निकाले और हम चलते हैं अंदर। ओके अभी चाय टाइम, टी टाइम। रीमा कुछ बोल रही थी। थोड़ी देर में भाभी आपको सुनाती हूँ। रीमा ने बनाई है ये, मैंने चाय। यस
पीना देखो मैंने ये चाय पहले मेरी काढ़ी बताए महक रीमा को अब ब्लॉगिंग छुड़वा के होटल खुलवाएंगे ढाबे की चाय मैकी कड़क ये साली इस साली से मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं ब्लॉगिंग छुड़वा के इसको नाम ढाबा खोल के देंगे होटल वाला देखा ये मेरी तारीफ सुनी यहाँ पे ये कपड़ा रखेगी फिर आएगी छोटू दो कप चाय छोटू आटा को रखूंगी छोटू मुझे चाय लेकर आएगा ना जिसको पीनी हो आना मेरे पे आमना ठीक है फिर जो भी पैसे मिलेगा ना ये छोटू के जेब में जाएंगे हाँ मुझे मंजूर है छोटू रात को छोटू आए जेब खाली करूंगी और फिर छोटू चला जाएगा छोटू तुम्हें लगता है यहाँ पैसे लेके आएगा घर पे जब उसको पैसा मिलेगा छोटू को मैं जाने दूंगी पैसा पैदा करेगा छोटू गाइस मेरे लिए पैसा पैदा करो आज चंदा करते हैं मुझे भी बताओ प्लीज ये पैसा कैसे पैदा होता है मुझे बहुत जरूरत है पैसे की मुझे पैसा पैदा करना है लेकिन मुझे पैदा नहीं करना आ रहा पैसा मुझे पैसा खर्च करना रहा है पैदा नहीं करना बस तू कैमरामैन इस कैमरामैन को ना बस वोटिंग देनी चाहिए मेरी पहली यूट्यूब की इनकम आने दो इस कैमरामैन के लिए हम एक आईफोन एक्स लाएंगे और एक ट्राउजर लाएंगे गरीबों वाली बात कर दी शक्ल गरीबों वाली हो ना तो बात अमीरों वाली लोग करते हैं ताकि देखे ना कि यार इसकी शक्ल गरीबों वाली है लेकिन बात इसने अमीरों वाली कर दी लाखों वाली कर दी इसने बात हम किससे कर रहे हैं उसके लिहाज से बात करते हैं पागल अब आए ना लाइन पे जैसा चपरासी होगा उसे चपरासी जैसी कान भर वैसे ही चपरासी शादी तो बड़ी बहन कोई बात नहीं दोस्त में ऐश्वर्या होगी सारे एक्टर्स वहाँ होंगे ब्लॉगर ये देखो गाइस ये ऐश्वर्या पादर खा रही है ये कैटरीना पादर खा रही है नहीं मैं पादर इतने मुझे नहीं लगेंगे ना मुझे ना एक देखो इसके ये वीडियो के पादर मिलेंगे कैटरीना क्रिश्चियन है वो कैसे जाएगी हम ना जाएगी क्या जाएगी क्यों नहीं जाएगी जैसे हम माल होंगे उसके जैसे हम माल होंगे लास्टिंग तो नहीं जाएगी ना सारे जाएंगे भाई सारे बताओ आप क्या कह रही हो क्या मतलब आप इजाजत में जाओगी आपने जो बोला मिलेंगे मतलब नहीं मैं ना जन्नत के दरवाजे से ना ऐसे देखेंगी हाय पादर खा रही हो हाय भाभी मैंने बोला था माल सही करो अपने और तुम्हारे कितने सही है मैं जन्नत में से मिलूंगी ना फिर तुम आप लोगों को ना फ्रूट भेजूंगी खादा पीता भी भेजूंगी क्या पता हम जन्नत है फिर दोस्त में हूँ और आप नॉर्मल जन्नत में कोई बात नहीं तो फिर आ जाऊंगी नहीं ये मेहमानों के यहाँ आते हैं ना जो लोग गांव में होते हैं वो भी तो हमारे पास मिलने आते हैं ना फिर मिलने आ जाऊंगी वहाँ पे रुक जाऊंगी महीना महीना सालों सालों चलो मैं शॉपिंग करके आना कुछ ना कुछ बंदा लेके जन्नत के फिरदौस में कौन होगा जन्नत के फिरदौस में कौन होगा रखेंगे मेहमान नवाजी करेंगे ना नहीं मुझे बताओ तुम दोजख में जाओगी क्यों क्या मैं दोजख में नहीं जाऊंगी भाई मैं जन्नत में जाऊंगी तुम लोग के पास क्या सबूत है अल्लाह के पास सबूत है वो तो कोई गुनाह नहीं है वो तो मेरे आप सारे मुल्क की ना हिफाजत करती हूँ हाँ बॉर्डर पे जाके बैठो तो बता ना वैसे भी सारी लेके जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन कोई सारा लेके नहीं जा रहा कोई सारा लेके नहीं जा रहा आमना को बॉर्डर पे खड़ा कर दे क्यों महक हाँ, सही मैं तो खुद तैयार हूँ सिर्फ आन में तुम्हें होना चाहिए था ना और उसके साथ जो इनकम भी मिलती है ना वो भी मेरे पास होनी चाहिए मैंने सुना है फौजियों को आधी इनकम मिलती है वो भी मुझे मिलनी चाहिए वो भी आपको मिलेगी मेरे माई में सिर्फ पैसा पैसा आता है ऐसा हो गया लेकिन मेरी जेब में पैसा नहीं है ना इसीलिए तू लालची है रे बाबा तू लालची है करो मेरी वीडियो वायरल जाए मैं आपको दिलाऊंगी मोबाइल मिलियन व्यूज आ जाए हम ना ओके मिलियन पता नहीं कब आए मुझे एक लाख पे तो दो ना तो मैं कैसे दूं जब मैं कमा ही नहीं रहा तो कैसे दूं आपको फिर बस ऐसी गंदी दुआ मैं नहीं करूंगी सॉली तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है कि मेरे मिलियन आ सकते बहन को एक दुआ ही कर दो क्या मिल जाएगा
अल्लाह करे रीमा के मिल जाए ना जाए, और साथ में मेरी जानू के भी। आमीन। इनकी मोहब्बतें चेक करें, इनकी मोहब्बतें। क्या वाले है ये नोकिया वाले आते जो बचपन में आप लोग क्यूरियस होते थे ना, मेरे को दिखाओ। ये नोकिया मोबाइल में हम दोनों का हाथ होता था जो आप लोग बचपन में ढूंढते थे। पकड़े गए लेकिन हमें पैसा नहीं मिला था उसका, वो तब दौर नहीं था यार। यार दौर पैसों का तब भी था लेकिन मिला नहीं, हम फेमस नहीं थे। अभी आ गए ना, अभी देना हमें अपने वो पैसे जो हमने वो रिकॉर्डिंग की थी जाके नोकिया वालों से लो। नोकिया गायब नहीं है, वो नोकिया वाला मोबाइल गायब है। नोकिया अभी तक है, जिंदाबाद है। कहाँ गई थी माँ की नोकिया? वो मेरे रूम में पड़ी है। हाँ, वो मैंने 35,000 में ली थी। हाँ मालिक है, एंड्रॉइड है, टच है, कैमरा वाली अच्छी चलती है। बस एक बात है, कैमरा ब्लर आता है, आदमी पता नहीं चलता है, औरत है कि आदमी है, लेकिन चलता है कैमरा। अमना नहीं ऐसे नहीं बोलो भाभी, बस आईफोन के कंपैरिजन में रिजल्ट गंदी है, बट अदरवाइज वो सही है। हाँ अमना ऐसे झूठ मत बोलो नोकिया वालों की, बेचारों की। यू नो पैसा दिया है? नहीं, तारीफ करने का। ये हार जो हमने दिए थे उसका भी पैसा नहीं दिया अभी तक। चलो भाई बस तारीफ कर। बाय बाय जानू, बाय बाय, जाए बाय बाय, ये इनको छोड़। तो अब महक जा चुकी है एंड सबीना और भाभी जो हैं वो महक को छोड़ने गए। अभी मैं ऐसा करती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ और फिर आराम करती हूँ। एंड हाँ, ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ। आई मीन कल। अब मैं कोशिश कर रही हूँ डेली व्लॉगर बनने की, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। एंड हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ब्लॉग डालूँ आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।